डिफेंस कॉलोनी इलाके में बीएसआईएस कर्मी पर फायरिंग की घटना का खुलासा हो गया है इस वारदात के पीछे घायल की पत्नी का हाथ सामने आया जिसने अपने आशिक के संग मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया शुरू में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हमले के पीछे की वजह रोडरेज बताए लेकिन गहन पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई पीड़ित की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है इनके पास से पिस्टल दो जिंदा कारतूस बाइक और आरोपी के कपड़े बरामद किए गए हैं आरोपियों की पहचान गोविंदपुरी क्षेत्र निवासी रोहन कुमार उर्फ मनीष व चिराग दिल्ली निवासी बबीता उम्र इकतालीस साल के तौर पर हुई आरोपी सूरजपुर नोएडा में हत्या की कोशिश मामले में पहले भी अरेस्ट हो चुका है डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट अतुल कुमार ठाकुर ने बताया एंड्रूगंज बीएसआईएस ऑफिस के पास बुधवार सुबह एक शख्स को गोली मार देने की सूचना मिली घायल की पहचान भीमराज उम्र इकतालीस साल के तौर पर हुई जिसे इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया उसके गले पर गोली मारी गई थी हमलावर बाइक सवार था घायल बीएसएस में ठेके पर काम करता है पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू की एसीपी मेहरौली सब डिवीजन रणबीर सिंह की टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर जांच शुरू की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो एक संदिग्ध बाइक जाते हुए दिखी लेकिन बाइक में आगे और पीछे को रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी थी पुलिस ने बाइक के आने और जाने का पूरा रूट सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा तो पीछे एक जगह पर बाइक की आगे की नंबर प्लेट दिखी लेकिन पूरा नंबर साफ़ नहीं था पुलिस ने उसी तरह के सौ से ज्यादा नंबरों की जांच की और आखिरकार बाइक का नंबर मिल गया और पता चला कि ये बाइक राणा प्रताप नगर में झुगी में रह रहे एक शख्स की है पुलिस ने बाइक के इंश्योरेंस से मालिक का मोबाइल नंबर निकाला और बाइक मालिक तक पहुंच गई इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक का पता लगा लिया पता चला उसके रजिस्टर्ड मालिक ने इस बाइक को प्रवीण के माध्यम से लखन को बेच दिया है पुलिस ने लखन को कमला नगर इलाके से ट्रेस कर लिया जिसने बताया वो इस बाइक को आगे गोविंदपुरी निवासी मनीष को बेच चुका है जिसका वो पता तो नहीं जानता लेकिन मोबाइल नंबर जरूर पता है पुलिस मनीष के मिले मोबाइल नंबर की मदद से उस तक पहुंच गई जिसे गली नंबर तेरह गोविंदपुरी से पकड़ा गया पिस्टल और बाइक भी इसके पास से मिल गई रोहन उर्फ मनीष ने पुलिस को बताया यह हमला उसने रोडरेज में बदला लेने के लिए किया था लेकिन पुलिस को उसकी थ्योरी पर भरोसा नहीं हुआ क्रॉस सवाल जवाब करने पर वो टूट गया और उसने पुलिस के सामने पूरा सच रख दिया बताया उसके घायल की पत्नी के साथ साढ़े तीन महीने से अवैध संबंध है एक जनवरी को घायल ने बबीता को उसके साथ फोन पर रात में बात करते हुए पकड़ लिया था जिसके बाद उसने बबीता को पीटा यह बात बबीता ने उसे बताया जिसके बाद दोनों ने पंद्रह दिन पहले भीमराज को खत्म करने की साजिश रच दी बबीता के कहने पर उसने कहीं से पिस्टल और कारतूस खरीदे थे और इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए बाइक पर लगे स्टीकर तक को हटा दिया था और हमले के वक्त पहने कपड़े भी फेंक दिए थे इस खुलासे के बाद पुलिस ने घायल की पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूक